Hello, Vichu. let's read the question. The question says Down syndrome was first identified and described by John Langdon Down. It is a chromosomal disorder that is caused due to the failure of segregation of chromatids and during cell division, resulting in gain of an extra copy of chromosome number 21 in an ovum or a sperm. When such an ovum or sperm is fertilized with respective normal gamete, the zygote produced will have three copies of chromosome 21 instead of two. This is known as. This is called a trisomy of 21st chromosome. The resulting zygote will have forty-seven chromosomes instead of forty-six and will develop into a person with Down syndrome. Statistical do uh, data shows that the incidence of Down syndrome is seen in 600 to uh, 1,000 live births in all races and economic groups. The physical features and medical problems associated with Down syndrome can vary widely from child to child. And most people with Down syndrome have IQs that fall in mild to moderate delayed. Uh, range of mental retardation and they may have delayed language development slow motor development uh, some physical signs of down syndrome are flat face with an upward slant eye and short neck abnormally shaped ears small hands feet decrease in the palm of the hand poor muscle tone loose ligaments and white spots on the iris of the हमें ये दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम एंड इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेल ऑफ अ पर्सन विथ डाउन सिंड्रोम इज डाउन सिंड्रोम जिनको होता है उन पीपल में नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स कितना होता है ईच सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं दैट इज 45, 46, 44 एंड सेवन सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आर की कॉन्सेप्ट ओवर विल बी डाउन्स सिंड्रोम डाउन्स सिंड्रोम इज एन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जो कि ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम की वजह से होता है ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम होता है नंबर पे, उसकी एक बनने की से ऐसा होता है सो सी वॉट सेल डिविजन में नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से फोर्टी फोर क्रोमोजोम ऑटोजोम होते हैं प्लस two chromosomes are sex chromosomes that can be xx or xy right so if uh, gametes are going to be formed then how the gametes will be formed the division will be 22 plus xx chromosome or 22 plus xy chromosome right this can happen in case of both of them okay so now what is going to happen here बिकॉज ऑफ फॉल्टी सेल डिविजन किसी भी सेल डिविजन एबनॉर्मल सेल डिविजन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो नॉर्मल नंबर होना चाहिए था दैट इज ट्वेंटी टू प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम या ट्वेंटी टू प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम उसकी जगह पे दी गैमिट्स आर गोइंग टू कैरी ट्वेंटी थ्री प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम और ट्वेंटी थ्री प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम सो दिस इज एन एबनॉर्मल सेल ये ओवम भी हो सकता है या स्पर्म भी हो सकता है दोनों ही केसेस पॉसिबल है दोनों में ही हो सकता है सो नाउ लेट से जो दूसरा गैमीट है लेट से दिस इज एन ओवम और इस ओवम से अब एक नॉर्मल स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर देता है तो अगर एक नॉर्मल स्पर्म इसको आके फर्टिलाइज करेगा तो स्पॉम विल बी हैविंग द नॉर्मल नंबर दैट इज ट्वेंटी टू प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स वट एवर द स्प इज कैरिंग राइट right. सो so, इस कंडीशन में अब क्या होगा कि देयर शुड हैव बीन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम शुड हैव बीन 46 सिक्स प्लस एक्स एक्स और एक्स वाई कंडीशन बट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा क्रोमोजोम दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम का जो एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे बना है इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम दैट इज गोइंग टू बी ऑन जिसकी वजह से जो फाइनल जयगॉड बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा फोर्टी सेवन सो इट शुड हैव बीन फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स

लाइक फॉल्टी क्रोमोजोम के साथ तो इट शूड इट विल भी फोर्टी फाइव प्लस एक्स एक्स कंडीशन और एक्स वाई कंडीशन राइट तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है दैट इज शोइंग द फोर्टी सेवन कंडीशन डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया स्मॉल राउंड हेड होना या पार्शल ओपन माउथ होना गोनाड्स नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड गोनाड्स आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड So these are the symptoms of Down syndrome, and uh, if we we'll have a look at the number of chromosome, that is going to be forty-seven in case of chromo, uh, in case of Down syndrome. So here, what is happening here? Twenty-first chromosome, the trisomy of twenty-first chromosome is occurring. That's why the number of chromosome is going to be forty-seven. So as per our discussion, the right answer will be option D. I hope you understood well. Best of luck.